बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं मलिक मोहम्मद अली। प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने बड़ी सारी माली मुश्किलात के बावजूद, नामुसाइद हालात के बावजूद पंजाब के अंदर रेस्क्यू हेलीकॉप्टर सर्विस का आगाज किया है और ये पंजाब के अंदर पाकिस्तान के किसी भी सूबे से सबसे पहले इस सर्विस का आगाज है। हेलीकॉप्टर सर्विस वैसे तो जब कोई ऐसी आफात आ जाती थी, ख़ास तौर पर केपीके के अंदर या कहीं और, तो पाक आर्मी के जो हेलीकॉप्टर थे वो लोगों को रेस्क्यू करते थे किसी भी नाहगानी सूरतेहाल के पेश नज़र। तो अवामी सतह पर इस तरह की जो हुकूमत की तरफ से रेस्क्यू सर्विस पहले से मौजूद नहीं थी, मरियम नवाज शरीफ ने रेस्क्यू 11/22 से मिलकर इस प्लान को तरतीब दिया और फिर बकायदा तौर पर हेलीकॉप्टर रेस्क्यू सर्विस का आगाज कर दिया गया। अब पंजाब में रेस्क्यू हेलीकॉप्टर सर्विस का आगाज हो चुका है, जो कि वाकई खुशाइन बात है कि पहले तो एक रेस्क्यू सर्विस जारी थी, भरपूर अंदाज में काम कर रही थी, जो फिर पूरे पाकिस्तान में तकरीबन फैली। तो अब ये जो हेलीकॉप्टर सर्विस है तो उससे भी कामकाज हो चुका है, रेस हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू हो चुकी है। पंजाब हुकूमत ने वजीर आला नवाज शरीफ की क्यादत में एक फोकस करके इस प्रोग्राम को फिर लॉन्च, और अब इस प्रोग्राम मजीद तोसी के लिए हुकूमत ने फैसला किया है रेस्क्यू बाई पंजाब की जिम्मेदारान से मुलाकात करके डॉक्टर रिजवान नसीर और दिगर जो जिम्मेदारान हैं उनसे मुलाकात करके वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने मजीद गाइडलाइन दी हैं और कहा है कि रेस्क्यू हेलीकॉप्टर सर्विस को मोटरवे पर भी लाया जाए। अगर मोटरवे पर कोई ऐसे वाकयात हो जाते हैं तो वहाँ मौजूद अगर किसी को ऐसा मामला पेश आता है तो रेस्क्यू हेलीकॉप्टर सर्विस फौरी हरकत में आए और वहाँ से जो भी मसाइल का शिकार हो या जो भी ऐसा कोई वाकया होता है तो वहाँ वो सर्विस मुहैया की जाए। और हम समझ रहे हैं कि ये जो नया इकदाम है वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का, ये बहुत ऐसा इकदाम है क्योंकि बड़े ममालिक में तो ये सर्विस जारी थी, और ख़ास तौर पर हम समझ रहे हैं कि पाकिस्तान अगर ये सर्विस प्रोवाइड करता है, सूबा पंजाब ये सर्विस प्रोवाइड करता है, तो ये जनूबी एशिया का एक बड़ा मुल्क बनकर सामने आएगा कि पाकिस्तान के एक सूबे में रेस्क्यू हेलीकॉप्टर सर्विस, जो कि ना सिर्फ आम पब्लिक के लिए की गई थी, उसे मोटरवे पर भी शुरू किया जाएगा। और इससे हम समझते हैं कि हुकूमत पंजाब का आवाम से साथ जो एक तल्लक है वो मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है कि हुकूमत पंजाब अपने आवाम के लिए, अपने शहरियों के लिए नहागानी आफात के सिलसिले में या किसी ऐसे हादसे के सिलसिले में एक बड़े इकदाम के तौर पर सामने आ रहा है। तो हुकूमत पंजाब का ये जो कदम है वाकई ही मिसाली कदम है। सलाम पाकिस्तान, सलाम ओवरसीज, अल्लाह हाफिज़।